क्वेश्चन 2016 का सवाल है. क्वेश्चन सेज द फोटोन्स ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ कैथोड सी इन अ फोटोसेल. द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, व्हेन फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन सी, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड ए इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी इज. ऑप्शन है -3 वोल्ट, +4 वोल्ट, -1 वोल्ट या -3 वोल्ट. अगेन सिंपल सवाल है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने को आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसको लिखना है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हमें दिया होता है ये HF माइनस आपका फाई नॉट, या आपका वर्क फंक्शन होएगा. नाउ इस केस में हमें जो पहले केस में वैल्यू दी हुई है वो है कि काइनेटिक एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, HF जो आपने एनर्जी दी है वो 5 है, माइनस फाइव नॉट, विच इम्प्लाइज आपका वर्क फंक्शन आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपका जो मेटल प्लेट है उसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब यहाँ पे जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है वो है आपकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उस केस में आपकी जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है सेकेंड केस में वो है आपकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी दैट विल बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन यानी कि 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके उसकी एनर्जी होनी चाहिए. नाउ आपने इस केस में उल्टा पोटेंशियल लगा दिया है और उस उल्टे पोटेंशियल की जो वैल्यू है अब वो आपकी वैल्यू जो सिनेरियो है वो ये है कि आपने इस बार अगर आपने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी होती तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी. लेकिन अब हमारा कोई भी पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हमने उल्टा पोटेंशियल लगाया हुआ है, ये आपका सेटअप है, तो यहाँ पे आपने उल्टा पोटेंशियल लगाया हुआ है जिस वजह से ये है काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है. सवाल ये पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो इसका डायरेक्ट जवाब हो जाएगा VS विल बी इक्वल टू -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या -3 वोल्ट. यह आपकी VS अगर है, इतना VS लगा रखा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी या जो आप एनर्जी उल्टी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, जो कि इसके बराबर है. सो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वुड बी द राइट आंसर. सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट चॉइस.